रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सरस्वती शिशु मंदिर के इस सभागार में उपस्थित सभी आचार्यगण, सभी आचार्य, प्रिय भैया बहनों, प्रार्थना सभा में, वंदना सभा में मैं आज आया, ये मेरा सौभाग्य है। और आचार्य जी भी आपको बता रहे थे, तो ये सत्य मैं बताऊं कि लगभग 28-30 वर्ष पूर्व में चला गया। विद्या मंदिर की सभाओं में तो मैं जाता रहता हूँ, जहां भी कथा करने के लिए जाता हूँ देश भर में, लेकिन शिशु मंदिर में आप जैसे शिशु से पंचम तक के छात्र छात्राओं के बीच में कम जाना होता है। और कई वर्षों के बाद ये सौभाग्य हमको मिला, तो मैं 28-30 वर्ष पूर्व जब आपकी तरह शिशु कक्षा, प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा में था, और लगभग मैं ऐसा अनुभव कर पा रहा था वंदना सभा। और जैसे ये भैया बहन वंदना करा रहे थे, मैं भी कराता था। और जब शिशु से ही मुझे लगता है या प्रथम से कराना शुरू किया, तो द्वादश तक कराता ही रहा, फिर बीच में छुट्टी मिली नहीं। और वो रोग मंच और माइक का ऐसा लगा कि भगवान ने कहा तुम जिंदगी भर मंच और माइक पे ही बैठो। तो आपको बताया, आपने हो सकता देखा भी हो, कई वर्षों से मैं देश भर में राम कथा और भागवत कथा सुनाता। भैया बहनों, आप जिस अवस्था में हैं वो बड़ी छोटी अवस्था है। यहां से यात्रा प्रारंभ हो रही है, जब तक इधर पंचम कक्षा के होंगे ना, और ऐसे इधर शिशु, तो ये यात्रा भी प्रारंभ हो रही है और ये भी बड़ी लंबी यात्रा होनी है। इस यात्रा में अनेक ऊंचनी चाहेंगे, अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, अनेक खट्टे मीठे अनुभव भी आएंगे।